ऑल टाइम क्लासिक अल्टीमेट लव स्टोरी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट मूवी मुगले आजम की। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि सम्राट अकबर इतने बड़े राजा हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है, और संतान की चाह में वो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। वहां पर वो बेटे के लिए दुआ मांगते हैं, और देखिए सम्राट अकबर की दुआ कबूल हो जाती है। रानी जोधाबाई एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब ये खुशखबरी एक दासी सम्राट अकबर को देने आती है, तो सम्राट अकबर ये खुशखबरी सुनकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उस दासी को अपनी कीमती अंगूठी देकर कहते हैं कि पूरी जिंदगी में दासी उनसे कोई भी एक चीज मांगेगी तो सम्राट अकबर मना नहीं करेंगे। अकबर और जोधाबाई का बेटा सलीम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ता जाता है। इतना ज्यादा अय्याशी हो जाता है कि अकबर उसे साहस और अनुशासन सिखाने युद्ध के मैदान में राजमहल से कहीं बहुत दूर भेज देते हैं। 14 साल बीत जाते हैं और राजकुमार सलीम युद्ध के मैदान में तालीम पाकर एक सशक्त योद्धा की तरह राजमहल में वापस लौटते हैं। राजमहल में सलीम का खूब स्वागत किया जाता है। रानी जोधाबाई अपने सलीम अपने बेटे को देखकर फूली नहीं समाती। दरबार में जब सलीम का स्वागत होता है, तब संगमरमर सी सुंदर नर्तकी नादिरा, जिसे अकबर ने अनार की कली यानी अनारकली जैसा सुंदर नाम दिया था, उसे देखकर सलीम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में उच्च कक्षा की नर्तकी बहार है, जो चाहती है कि सलीम उससे प्यार करे और वो रानी बनकर राज करे। लेकिन दूसरी तरफ सलीम और अनारकली का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सलीम के प्यार को जीतने में असफल बहार सलीम और अनारकली के प्यार के रिश्तों का पर्दाफाश कर देती है। राजा अकबर को सलीम और अनारकली के प्यार के रिश्ते के बारे में पता चलता है। तब सलीम अकबर से कहते हैं कि वो अनारकली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन अकबर इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और वो गुस्से में आकर अनारकली को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर जेल की दुनिया को दिखाकर वो सलीम और अनारकली के प्यार को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जेल की ऊंची दीवारें अनारकली और सलीम का प्यार नहीं तोड़ पाती। सलीम अकबर का विरोध करता है और अकबर का सामना करने अनारकली को जेल से छुड़ाने एक सेना भी इकट्ठा करता है। युद्ध की घोषणा हो जाती है। रानी जोधाबाई की एक तरफ है उनकी संतान और दूसरी तरफ है उनका सुहाग। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच राजा अकबर और सलीम के बीच युद्ध होता है और युद्ध में सलीम की हार होती है। भरे दरबार में सबके सामने सलीम को मौत की सजा देने का आदेश दिया जाता है। लोग सलीम की मौत की सजा सुनकर विरोध करते हैं। तब राजा अकबर ये ऐलान करते हैं कि अगर सलीम की जगह अनारकली आत्मसमर्पण कर मरने को तैयार हो जाए तो सलीम की जान बचाई जा सकती है। ये सुनकर अनारकली सलीम की जान बचाने आत्मसमर्पण कर देती है। मरने से पहले अनारकली राजा अकबर से प्रार्थना करती है कि उसे कुछ घंटों के लिए सलीम की रानी बनाया जाए। सलीम को नशे की दवा देकर बेहोश कर देगी ताकि जब अनारकली की मौत हो तब सलीम उसमें दखल न दे। अनारकली की ये आखिरी ख्वाहिश राजा अकबर मान जाते हैं और उसे खुद अनारकली को अपने हाथ रानी का ताज पहनाकर सलीम के पास भेज देते हैं। सलीम अनारकली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अनारकली भी सलीम के साथ कुछ समय बिताती है और फिर उसे बेहोशी की दवाई पिलाकर बेहोश कर देती है। जैसे यहाँ पर सलीम बेहोश होता है, राजा अकबर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाते हैं। तभी अनारकली की माँ, वो दासी जिसने राजा अकबर को सलीम के पैदा होने की खुशखबर दी थी, वो अकबर को उनका वादा याद दिलवाती है कि जब वो जिंदगी में एक बार अकबर से कुछ मांगेगी तब अकबर उसे मना नहीं कर पाएंगे। अनारकली की माँ अपनी प्यारी बेटी अनारकली की जान बचाने की मांग करती है। सम्राट अकबर का अनारकली के प्रति हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य अपने देश के कारण ऐसा कर नहीं सकते। एक तरफ दासी को दिया वचन और दूसरी तरफ अपना कर्तव्य, आखिर में अकबर किसे चुनते? अनारकली को दीवार में चुनवाने के बाद राजा अकबर चुपके से ऐसी गुप्त व्यवस्था करते हैं कि अनारकली जिंदा बच जाए। आखिर में अनारकली की माँ को जिंदा अनारकली सौंप कर अकबर ये कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर उतनी दूर चली जाए कि किसी को ये बात पता ना चले कि अनारकली जिंदा है,
और सलीम को ये बात कभी पता चली ही नहीं कि उसकी जिंदगी का प्यार, उसकी प्यारी अनारकली दीवार में चुनवाने के बाद भी जिंदा है।